हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीने। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीने में आप देखोगे, सबसे पहले हैं आपके पास प्लूमोस और पेक्टिनेट, ठीक है। प्लूमोस और पेक्टिनेट पी से दोनों हैं, ओके। उसके बाद देखो FFM, फ्लैबिलेट फिलीफॉर्म मोनिलीफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास लैमिलेट जेनिक्यूलेट, सॉरी लैमिलेट जेनिक्यूलेट स्टाइलेट सिटेशियस और सिरेट, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास लास्ट क्या है, एरिस्टेट कैपिटेट एंड क्लेवेट। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे आगे विद डायग्राम, आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, आपको किस तरह याद रखना है आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे एक आपके लिए बनाई है टेक्निक इनको याद रखने की। सबसे पहले देखो पी पहले यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ पी स्क्वायर एफ एम, ठीक है, पी एफ एम एल जीज एस क्यूब है, ठीक है, एल वन है जी वन है एस क्यूब है, ओके। उसके बाद है ए सी, ए सी का क्या है स्केयर, सी का क्या है स्केयर, ए भी सिंगल है एल भी सिंगल है जी भी सिंगल है, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, पी एफ एम, एफ एम क्या रेडियो, पी एफ एम एल जीज ए सी, ठीक है, पी एफ एम एल जीज ए सी, आपको इस तरह याद रखना है। पी का याद रखना आपने स्केयर है, ठीक है, एस का क्यूब है, एफ का भी स्क्वायर है, एम सिंगल है एल सिंगल है जी सिंगल है ए सिंगल है, ओके ओके। फर्स्ट जो आपके पास पी है वो स्क्वायर में है, एफ भी स्क्वायर में है, उसके बाद एस क्यूब में है, सी भी स्क्वायर में है, ठीक है। आपको इस तरह ये याद रखना है, इस टेक्निक से आपको क्या होगा याद रहेगा, पी एफ एम एल जीज ए सी, ठीक है, पी एफ एम एल जीज ए सी, ओके। फिर आपने ये याद रखना है स्क्वायर और क्यूब इन पे, ओके। सो अब हम वन बाय वन एक एक एंटीने की टाइप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है आपके पास प्लूमोस, ठीक है। प्लूमोस का मतलब ही होता है क्या, हैविंग प्ल्यूम्स, ठीक है। प्लूमोस का मतलब ही होता है हैविंग प्ल्यूम्स। प्ल्यूम्स किसको कहते हैं, प्ल्यूम्स कहते हैं भाई फीडर्स को, ठीक है। अब देखो प्लूमोस एंटीना लुक लाइक फीडर्स, ठीक है, ये किसकी तरह दिखते हैं, फीडर्स की तरह। ये देख लो आप यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको फीडर्स की तरह, ये जिस इंसेक्ट में होते हैं उस इंसेक्ट की इमेज है, ठीक है। ये आपको डायग्राम जो आपने एग्जाम में बनानी होती है, ओके। एज देयर सेगमेंट्स हैव न्यूमरस थिन ब्रांचेस, ये सेंटर में इसका सेगमेंट है देखेंगे आप, ठीक है। और ये देखो न्यूमरस इस पे ब्रांचेज हैं, यहाँ यहाँ हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि लीफ की अपेयरेंस होती है ना, इस तरह से आपको दिख रहा है ये, ओके। हैविंग अ बिगर एंटीनल सरफेस, देखो कितना एंटीने की लेंथ कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। बिगर एंटीनल सरफेस है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है किसको, रिसेप्टर्स के लिए, सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। देखो हैविंग अ बिगर एंटीनल सरफेस टू अलाउज देम टू डिटेक्ट मोर सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स लाइक फेरोमोन्स, ठीक है, कि क्या करती है ये, हैविंग इन पे बिगर एंटीनल सरफेस है, जो बिगर एंटीनल सरफेस है ये अलो करती है इंसेक्ट्स को मोर सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स लाइक फेरोमोन्स डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इस टाइप के प्लूमोस टाइप के जो हैं हमारे पास एंटीने, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, मॉस्किटोज में, ठीक है। मॉस्किटोज को किस ऑर्डर में रखा गया है, डिप्टेरा में। डिप्टेरा में क्यों रखा गया, डाई मीन्स टू एंड टेरा मीन्स विंग्स। मैंने आपको ए टेरिगोट्स और टेरिगोट बताया था, टेरिगोट जिनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ए टेरिगोट विंगलेस, ठीक है। डाई टेरा मीन्स के इसमें दो विंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखो जिनको जिनमें दो विंग्स प्रेजेंट है उनको इसमें डिप्टेरा में रखा गया है, ठीक है। अब मॉस्किटोज को भी इसमें रखा गया, और मॉस्किटोज में इस टाइप के क्या होते हैं, प्लूमोस एंटीने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया मौत, मौत किस में, मौत मेल्स, ये मेल मॉस्किटो एंड मेल मौत है, ठीक है। अब मौत किस में होते हैं, किस ऑर्डर में रखा गया मौत को, लेपिडोप्टेरा में, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर्स हैं किसके, इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा के डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, जितने भी एग्जांपल के आगे लिखे हुए हैं ऑर्डर्स और सब ऑर्डर्स या क्लासेस होंगी, ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास पेक्टिनेट। पेक्टिनेट में आप देखेंगे नाउ द नेक्स्ट वन इज पेक्टिनेट। पेक्टिनेट जो होते हैं हमारे पास एंटीने, वो किस टाइप के एंटीने होते हैं, सेगमेंट सेवा लेटरल प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब पेक्टिनेट जो होता है हमारे पास, उसका पेक्टिनेट का मतलब रहता है कोम्ब लाइक,
मतलब जो अपियरेंस में किस तरह का हो, कोम्ब लाइक, ठीक है। अब देखो सेगमेंट्स हैव अ लेटरल प्रोजेक्शन, लेटरल किसको कहते हैं, साइड को, ठीक है, कि जो एंटीने के सेगमेंट्स हैं हमारे पास उनकी साइड पे प्रोजेक्शंस होंगी, ठीक है। जैसे ये देखो आप डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, साइड पे प्रोजेक्शन निकली हुई, ये देखो इसमें भी किस तरह से ये साइड पे प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। अब अगर साइड पे प्रोजेक्शंस होंगे तो ये किस तरह की लुक देते हैं, जैसे कि एक कोम्ब होता है ना आपके पास, उस तरह की लुक देते हैं ये, ठीक है। एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में आ गया आपके पास 100 फ्लाइज। 100 फ्लाइज क्या होती हैं भाई, 100 फ्लाइज को किस में रखा गया है, सिम्फाइटा में। सिम्फाइटा क्या है, सिम्फाइटा एक सब ऑर्डर है, किसका, ऑर्डर हाइमनोप्टरा का, ठीक है। ये ऑर्डर है ना जो हाइमनोप्टरा का, जिसमें वैस्प को रखा गया है, इसी का एक सब ऑर्डर है सिम्फाइटा, जिसमें 100 फ्लाइज को रखा गया है, जिसमें 100 फ्लाइज आती हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे, एक तो इसकी एग्जाम्पल हो गई 100 फ्लाइज, दूसरा आ गया हमारे पास पैरासिटॉइड वैस्प, ठीक है। वैस्प को किस में रखा गया है, हाइमनोप्टरा में, ओके। और कुछ बीटल्स में भी इसी टाइप के होते हैं एंटीना, बीटल्स को किस में रखा गया, किस ऑर्डर में, कोलियोप्टरा में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बीटल्स को किस ऑर्डर में रखा गया है, वैस्प को किस ऑर्डर में रखा गया है, फ्लाइज को किस ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। ये है डायग्राम जो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बनानी है, कि आपको लाइव एग्जाम्पल दी हुई है कि आप लाइव देखेंगे इंसेक्ट में पैक्टिनेट जो आपके पास एंटीने हैं वो किस तरह के रहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो हमारे पास नेक्स्ट है फ्लैबिलेट, ठीक है। कौन सी टाइप है हमारे पास एंटीना की, फ्लैबिलेट। अब ये क्या होते हैं फ्लैबिलेट एंटीने, दीज आर क्वाइट सिमिलर टू पैक्टिनेट, ये पैक्टिनेट से बहुत मिलते जुलते हैं, लैमिनेट एंटीने, लैमिनेट और पैक्टिनेट से मिलते जुलते हैं। आप नीचे देखें, नीचे देखो इसमें डायग्राम में, बट विथ थिनर एंड फ्लैटनर सेगमेंट्स, लेकिन इनके सेगमेंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं, ओके। That make them to look like a folding paper. इनके जो thin और flat segments होते हैं, यही thin और flat segments जो इनको किस तरह की appearance देते हैं, जैसे कि folding paper fan होता है उस तरह की appearance देते हैं, okay? Also these thin projections occupy all the antennae. ये thin projection पूरे antenna पे present होते हैं, and not only the terminal segments as in lamellate antennae. Lamellate antennae पे terminal side पे present और terminal उस पे होते थे present, but इसमें क्या होंगे, ये पूरे एंटीना पे प्रेजेंट होंगे, ओके। हेयर इज योर लैमिनेट एंटीने। देखो लैमिनेट में क्या है यहाँ पे, कि देखो एक ये कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप पे, ठीक है, टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है यहाँ पे, बाकी का पूरा जो एंटीना है ये देखो यहाँ से आ रहा है, ये खाली है, इस पे ये प्रेजेंट नहीं है प्रोजेक्शंस, ओके। लेकिन उस पे जो हम पढ़ रहे हैं उस पे क्या है, ये प्रोजेक्शंस पूरे एंटीना पे प्रेजेंट है, अभी आप वो देखेंगे, ओके। देखें यहाँ इस पे, यहाँ से लेकर, ध्यान से देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टार्ट से डिस्टल एंड से प्रोक्सिमल एंड तक पूरे पे क्या प्रेजेंट है, ये प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, बट लैमिनेट में आपने क्या देखा कि उसमें सिर्फ टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट थे, ओके। अब देखो दिस मॉडल इज़ फाउंड इन मेल्स ऑफ सम इंसेक्ट्स, ये किस में प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के हमारे पास एंटीने, कुछ इंसेक्ट्स मेल इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, दिस हैविंग अ लार्ज सरफेस फॉर डिटेक्टिंग फेरामोन्स, ठीक है। इसलिए इनके पास क्या होती है, लार्ज सरफेस क्यों रहती है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन से पूरे हमारे जो एंटीना है ये हमारे पास इस पे प्रेजेंट रहते हैं, हेंस दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिटेक्टिंग फेरामोन्स। फेरामोन्स में आपको बता चुकी कि केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट सक्रीट करते हैं, किसके लिए, कॉपुलेट करने के लिए, ओके। अब एग्जाम्पल में देखेंगे आप कि एग्जाम्पल किस किस इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के हमारे पास एंटीने, बीटल्स में प्रेजेंट होते हैं, बीटल्स को मैं पहले भी बता चुकी, कोलियोप्टरा ऑर्डर में रखा गया है, वैस्प में प्रेजेंट होते हैं, वैस्प को हेमनोप्टरा ऑर्डर में रखा गया, और मॉथ्स में प्रेजेंट होते हैं, मॉथ्स को रखा गया लेपिडोप्टरा ऑर्डर में, ओके। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट फिलीफॉर्म, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिलीफॉर्म लार्वा, सॉरी लार्वा की एंटीने, फिलीफॉर्म एंटीने। फिलीफॉर्म एंटीने क्या होते हैं, सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ एंटीने, ये सबसे सिंपल मॉडल है एंटीने का, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, एंड मेड ऑफ इक्वली शेप एंड साइज सेगमेंट, ठीक है। इनके जो सेगमेंट होते हैं, यहाँ देखेंगे आप सारे सेगमेंट्स जो हैं वो इक्वल साइज के हैं और शेप भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ऐसे जो एंटीने हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोचेज में। भाई कॉकरोच आपको घर में रोज़ मिलता है, उसको उठा लें, एक कॉकरोच को ले लें अपने हाथ में और उसका एंटीना देखें पास से, तो आपको लाइव पता चल जाएगा कि एंटीना कैसा होता है कॉकरोच का, ओके। अब जो कॉकरोचेस हैं उनको किस में रखा गया है, ब्लैटरडे में, ठीक है। ब्लैटरडे क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए ब्लैटरडे क्या है, जिसमें रखा गया है किसको,
कॉकरोचेस और टर्माइट्स को किस में रखा गया है, ब्लैटरडे ऑर्डर में, ठीक है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट है क्रिकेट्स एंड ग्रास होपर्स, जिनको ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में रखा गया है। ग्रास होपर्स को किस में रखा गया, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में, ये याद रखना। उसके बाद आपके पास लॉन्ग हॉर्न बीटल्स, जिनको सिरेम्बिसिडे और कोलियोप्टेरा ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। सिरेम्बिसिडे क्या है, फैमिली है, ठीक है। सिरेम्बिसिडे फैमिली है और कोलियोप्टेरा ऑर्डर है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग हॉर्न बीटल्स जो होते हैं वो इन ऑर्डर्स में होते हैं। इनमें जो प्रेजेंट होते हैं कौन से एंटीने प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म एंटीने, ओके। फिर बग्स जो हैं, बग्स को किस में रखा गया है, हिटरोप्टेरा ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है, बग्स को। अब नेक्स्ट ये क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आपके पास एग्जाम एग्जाम में जो आपने डायग्राम बनानी है वो ये वाली बनानी है, और ये आपके पास लाइव एग्जाम्पल, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच में, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मोनिलीफॉर्म, मोनिलीफॉर्म जो है हमारे पास एंटीने वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये देखो आपको एंट दिखाई हुई है ना, एंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, मोनिलीफॉर्म, ये देखो इसके एंटीने कैसे लग रहे हैं, जैसे कि वो होते हैं ना आपके पास क्या, बीट्स, बीट्स प्रेजेंट होते हैं ना किसी स्ट्रिंग पे, ठीक है, उसी तरीके की दिख रही है ना आपको, ये चेन वगैरह में होते हैं ना बीट्स, चेन वाली बीट्स वाली चेन होती है ना वो, उनमें देखो बिल्कुल ऐसी अपीयरेंस होती है ना, ये देख लो, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अनलाइक फिलीफॉर्म एंटीने, सेगमेंट्स ऑफ मोनिलीफॉर्म एंटीने मोर और लेस स्फेरिकल, लेकिन उसमें स्फेरिकल नहीं थे, इसमें क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, इक्वल साइज के होते हैं, ये देख लो सब इक्वल साइज के और स्फेरिकल हैं, ठीक है। दस गिविंग दिस एंटीने स्ट्रिंग ऑफ बीड अपियरेंस, ठीक है, कैसे अपियरेंस देते हैं, स्ट्रिंग ऑफ बीड। और ये सॉरी एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि ये एंटीने जो किस में प्रेजेंट होते हैं, टर्माइट्स में, टर्माइट्स को कहाँ रखा गया, आइसोप्टेरा ऑर्डर में, आइसोप्टेरा ऑर्डर में, और सम बीटल्स, कुछ बीटल्स हैं, बीटल्स को अभी मैं बता चुकी कितनी बार आपको कोलियोप्टेरा ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। टर्माइट्स और बीटल्स में मोनिलीफॉर्म जो है आपके पास एंटीने वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज लैमिलेट, लैमिलेट को अभी हम कंपेयर कर चुके पहले, मैंने आपको बताया था। अब देखो इसमें क्या होगा, टर्मिनल सेगमेंट्स एनलार्ज टू वन साइड, एक साइड पे टर्मिनल सेगमेंट, देखो इस साइड पे नहीं है एनलार्ज, इस साइड पे एनलार्ज किया हुआ है, ठीक है। अब देखो टर्मिनल सेगमेंट एनलार्ज टू वन साइड इन फॉर्म ऑफ फ्लैट एंड नेस्टेड प्रोजेक्शंस, एक साइड पे इसके फ्लैट और नेस्टेड प्रोजेक्शन से दूसरी साइड पे नहीं है, ठीक है। दस लुकिंग लाइक अ फोल्डिंग फैन, इसी की वजह से ये किस तरीके की अपीयरेंस देते हैं, इन एंटीने को एक फोल्डिंग फैन की तरह अपीयरेंस देते हैं, लुक देते हैं, ओके। एग्जांपल देखो ये लैमिलेट किस किस में प्रेजेंट होते हैं, बीटल्स ऑफ फैमिली स्कैराबिडे, ठीक है, स्कैराबिडे फैमिली में जो बीटल्स हैं उनमें जो प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के जो एंटीने प्रेजेंट रहते हैं, लैमिलेट टाइप के, और ये स्कैराबिडे जो फैमिली है ये किसके अंडर आती है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंडर, ठीक है। अब मैं आपको बता चुकी कोलियोप्टेरा में रखा गया है बीटल्स को, और किस फैमिली में रखा गया है, स्कैराबिडे, ओके। अब जो स्कैराबिडे स्कैराबिडे के अंदर जो बीटल्स हैं उनमें लैमिलेट टाइप का जो है हमारे पास एंटीने जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जेनिक्यूलेट, दीज आर बेंट ऑलमोस्ट नी लाइक जॉइंट, जैसे आपका नी होता है ना, नी जॉइंट है ना, बेंट होता है ना, इस तरीके की अपीयरेंस होती है इनकी, ये देख लें आप, ठीक है, ये देख लें, ये देख लें, यहाँ पे दिख रही है ना आपको ये वाली, ये बेंट दिख रहा है, ठीक है। अब देखो द फर्स्ट एंटीनल सेगमेंट स्केप इज यूजली लोकेटेड बिफोर द जॉइंट, बिफोर जॉइंट से पीछे जो ये वाला है ना, ये वाला, ये कौन सा है, स्केप, बाकी जो है इस पूरे को फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है, बाकी पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक फ्यूनिकल कहते हैं, इसको कहते हैं स्केप। अब आपको पता होना चाहिए फ्यूनिकल क्या होता है, स्टॉक, ये पूरी स्टॉक स्टेम, जिसको हम कहते हैं कि एक स्केप को छोड़ के बाकी के दोनों जो नेक्स्ट पार्ट हैं हमारे पास वो क्या हैं, उस पूरे को हम कहेंगे फ्यूनिकल, ठीक है। अब देखो रेस्ट ऑफ सेगमेंट टुगेदर नोन एज फ्यूनिकल, एग्जांपल आ गया सम बीज वैस्प्स स्पेशली इन कैल्सिड वैस्प, जिनको हाइमेनोप्टेरा ग्रुप में रखा, ऑर्डर में रखा गया है। फिर उसके बाद किस में प्रेजेंट होते हैं, ये वेवल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको कोलियोप्टेरा ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है, ये फैमिली है कोलियोप्टेरा ऑर्डर में जिनमें ये वेवल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइलेट, स्टाइलेट आप देखेंगे सिमिलर टू फिलीफॉर्म एंटीने, ठीक है, फिलीफॉर्म एंटीने कौन से थे भाई, ये हैं आपके पास फिलीफॉर्म, ठीक है, जो